आज हम बनाएंगे व्रत का डोसा, जिसे कि नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए समा के चावल, हमने एक बाउल लिए हैं, और ये लिया है साबूदाना एक बाउल। जितने समा के चावल लें इतना ही साबूदाना लें, और दोनों को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें। ये हमने बारीक पीस लिया है, इस तरह से बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में कर लें। ये पीस गया है, अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें तिगुना पानी डालेंगे, जितना हमारा साबूदाना है और समा के चावल हैं उससे तीन गुना पानी हम निकाल लें। दो गुना पानी डाल दें, मिला मिक्स कर लें, और जो बचा है उसको रख लें। अगर आपको टाइट लग रहा है थोड़ा थोड़ा डालते रहें, थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो उसे बचा लें, अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा गाढ़ा बैटर ना रखें। ये हमने काली मिर्च डाली है, और ये नमक डाल दें। आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं, वो चीले की फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन हमने नहीं डाली है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने घी डाला है, जीरा डालें इसमें, लाल मिर्च पाउडर डालें अगर खाते हैं तो, नमक डालें, हरी मिर्च डालें, और आलू डाल दें। इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से भून लिए हैं, आप जैसे खाते हैं वैसे भून सकते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गई है। इसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया है, और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम नारियल की चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने नारियल को निकाल कर इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार थोड़ा सा पानी डाल लें, और इस तरह से इसको पीस लें। ये इस तरह से हो गया है, अभी सूखा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और फिर से पीस लेंगे, इसको बारीक पीस लें। ये हमारी नारियल की चटनी इस तरह से हो गई है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे, और इसमें राई का छोंक लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो लगा लें, ऐसा ही खाना चाहते हैं तो ऐसा भी खा सकते हैं। ये हमारी नारियल की चटनी तैयार। अब हम डोसा डाल लेते हैं। अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा पानी जो बचा हुआ है, हमने तीन गुना रखा था, डाल सकते हैं। तवा गर्म कर लेंगे, उस पर हम पानी के छींटे लगाएंगे, और उसे पूछ देंगे। तेज ही तवा गर्म करें, ठंडे पे न डालें। ज़रा सा घी लगा लें, इस तरह से किनारों पर डालें, पहले बीच में न डालें, ये ध्यान रखें किनारों पर डालें, क्योंकि किनारों से देर से सिकता है तो इतने सिक जाएगा, और फिर बीच में डालें। इस तरह से हम डोसे के बैटर को डाल देंगे, ये अपने आप ही फैल जाता है, बस आप ध्यान से डाल दें। इस तरह से फैल गया है, और इसे सिकने दें, ये थोड़ा सा सिकने में टाइम लेता है। इस तरह से इसे सिकने दें। बीच बीच में इसमें हम थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, जिससे कि सिकाई अच्छी आ जाए। इस तरह से लगा दें। अगर कम घी का खाना चाहते हैं तो ना लगाएं। बीच बीच में गैस को स्लो तेज कर सकते हैं, जिससे कि जले नहीं और अच्छी तरह से सिकाई आ जाए। इस तरह से सिक गया है, अब देखो इधर से पलट के देख लें। अगर आप सेकना चाहें तो इधर से भी सेक सकते हैं, हमने नहीं सेका। अब हम इसमें आलू की जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसको रख देंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से पलट लेंगे। ये हमारा डोसा तैयार हो गया है, और इसे अब हमने दूसरा भी डाल दिया है। दूसरे को भी इस तरह से ही सेक लें, और नारियल की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी बनाकर देखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।